persons live in high altitude and climbers suffer with the problem of breathlessness due to low concentration of O2 at high altitude due to low concentration of O2 at high altitude the problem is known as nausea. The problem is known as nausea or altitude sickness. समझ में आया क्या लिखा हुआ है? ऐसे लोग जो ऊंचाइयों पर रहते हैं और जो ऊंचे स्थानों की चढ़ाई करते हैं वो एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस का मतलब ये है कि वो पूरी ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ब्रेथलेसनेस। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जितनी क्वांटिटी में उसको O2 का कंसंट्रेशन चाहिए एयर में 21%, वो ऊंचाई पर उसको नहीं मिलेगा। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट हाई एल्टीट्यूड द प्रॉब्लम इज नोन एज नॉक्जिया, है ना? हाँ, उनको रहती है, लेकिन वो एक लंबे समय के बाद एडेप्टेशन होता है। पर मान लो कोई किसी वजह से वहाँ शिफ्ट हुआ तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये साइंटिफिक है, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं हिमालय क्षेत्र वगैरह में, वो मौज मस्ती वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा उनका मन कम लगता है, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में बहुत देर से आती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसको नेट पे जाके चेक कर सकते हो। तो जो ऊंचे स्थानों पे रहते हैं उनको घूमना फिरना खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है देन स्टडी। उसका रीज़न ही है क्योंकि उनको चीज़ें बहुत लेट समझ में आती, उसका रीज़न भी है, एनोक्जिया ही उसका कारण है। तो इसमें लिखिए, लेकिन इतने में फर्क नहीं पड़ता है। इतनी ऊंचाई नहीं है, और ऊंचे स्थान होते हैं। अभी तो आप क्या है, यहाँ से जब आप हिमालय क्षेत्र में जाओगे तो वो पहले नंबर भारत के नक्शे में ऊंचे स्थान पे है, फिर उसमें भी पहाड़ है, तो उस जो ऊंचे स्थान कहलाते हैं। ये ऊंचे स्थान नहीं कि 3 मंजिला पे चढ़ गए, तो दे नॉट ना, है ना? बुर्ज खलीफा भी आपका हम कह दें नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक लेवल के अंतर्गत आता है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो शहर ही हाई एल्टीट्यूड पे है पहले से, ऊंचे स्थान। जैसे हम अपने पन्ना में बोले अजयगढ़, ये लो एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है। इससे नीचे भी आप जाओगे ना, उस साइड मकरी साइड जाओगे तो वो और नीचे होते जाते हैं। लेकिन वो इतना लो नहीं है या हम इतने हाई नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम से फील आए, ठीक है। पर्सन सफर फ्रॉम एनोक्जिया हैज लेस थिंकिंग एबिलिटी तो जो पर्सन इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है उसकी थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता कम होती है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है,
तो अपन की कौन ज़्यादा है? अपन तो सी लेवल पे भी रह के थिंक ही नहीं कर पा रहे। चलो भाई हेडिंग डालिए, ले हेडिंग ना डालिए, न्यूमेरिकल करिए। हाँ 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 बुक में देखोगे तो और शुरू होते ही ख़त्म कर देंगे। अब जाके पूछेंगे नबूत वालों से, NCERT वालों से और शिवलाल वालों से, लड़ जाए। इसका जवाब ये है बेटा कि कुछ उससे क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे तो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो इससे नहीं हो। अब जैसे आप पढ़ोगे मोलरिटी, मोल सल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, ये है मोलरिटी, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल अगर देखोगे तो बुक्स भरी पड़ी हैं, इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो क्वेश्चन लिखा जाए और किया जाए, तुम्हें यहाँ करना प्रांजल, हम चेक करेंगे। और यहाँ बहुत लिख लो अभी, फिर यहाँ कर देना, एक तुम करना, फिर एक नैन्सी करेगी, फिर एक आयरा करेगी, मतलब तीन होंगे। व्हाट एडिशनल प्रेशर, अच्छे से करना पर समझा समझा के, इज रिक्वायर्ड, व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूज द वॉल्यूम, टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 440 ml when a sample of oxygen gas, when a sample of oxygen gas has volume of, has volume of, बॉयल्स के लॉ के जितने भी रूल न्यूमेरिकल्स होंगे वो P1 V1 P2 V2 से सॉल्व हो जाएंगे। हैज वॉल्यूम ऑफ, ML एट अ प्रेशर 740 टॉर्स। चलो करते हैं, अभी टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, और कितना अतिरिक्त दाब चाहिए, एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए। व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 440 ml, इतना ml वॉल्यूम करने के लिए। अब पक्का है कि वॉल्यूम रिड्यूस करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना है वही पूछ रहे हैं वो। व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम टू 440 ml व्हेन, इतना रिड्यूस करना है व्हेन, कब, अ सैंपल ऑफ O2 गैस हैज वॉल्यूम 880 ml, मतलब है कितना 880 ml, और ले कहाँ जाना है 440 ml, और ये 880 ml कितने पे है, 740 टोर पे है। अब इस 740 टोर में और कितना दे दें, 100 टोर और दे दें, 1000 टोर और दे दें, कि ये इसमें से कितना प्रेशर, उतना प्रेशर ऐड करने का दे, वॉल्यूम इतने से कितना आ जाए 440 ml आ जाए। फिर से क्वेश्चन समझे, व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितना अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, दाब चाहिए टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 440 ml, 440 ml तक वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए हमें कितना प्रेशर चाहिए, इतना वॉल्यूम रिड्यूस करना है, कितने से, इतने से। व्हेन अ सैंपल ऑफ O2 गैस हैज अ वॉल्यूम 880 ml, 880 मिलीलीटर से 440 ml चाहिए,
और 880 ml इतने प्रेशर पे 740 टोर पे है। अब इस 740 टोर में और कितना प्रेशर दें कि ये 880 ml से घट के कितना हो जाए 440 ml। मास तो गैस का चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो दिया है ये क्या है V1, ये क्या है P1, हमें जाना कहाँ है V2 तक, तो निकालना क्या है V2 हमें पता करना है। 1480 चलिए हम देख सबके आंसर देखो 1480 टोर आएगा तो इसको माइनस कर देंगे। हाँ अब तुम सही गए हो, तुम्हें इतना दिमाग कैसे है प्रांजल, उधार लेते हो कहीं से। वॉल्यूम कितना है V1 कितना है 88 मिली और ये इतना कितने पे है 740 टॉर, ठीक है। इसको ले कितने पे जाना है, इसको ले जाना है 440 ml तक, तो और कितना प्रेशर लगा दे, तो निकालना क्या है आया तो सही है बच्चों यहाँ तक, लेकिन अभी आप अभी आंसर तक नहीं पहुँचे हो क्योंकि 1480 जो आया वो P2 आ गया है, फाइनल प्रेशर आ गया। उनने ये नहीं पूछा कि फाइनल टोटल प्रेशर कितना, उनने पूछा कि कितना और लगाएं, तो और कितना, तो इतना तो पहले से लगा है, इतना ही और लगा दे। चलिए तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हाँ 740 ही है और हम ये यहाँ से भी पकड़ सकते थे डायरेक्ट 440, 880 से डायरेक्ट कितना कर रहे हैं 440, तो आधा कर रहे हैं, तो इसको क्या इतना करना पड़ेगा डबल है ना, इसको यहाँ से भी पकड़ सकते थे। लेकिन हमेशा इसी से सॉल्व करूँ तो हमारा पी भी इक्वल होता है के, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 तो ये हो जाएगा V2 अपॉन, सही है ना, P2 को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा आपका P1 V1, तो ये P1 ये V1 हो जाएगा आपका और ये नीचे आ जाएगा P2, P2 नहीं V2 आएगा नीचे, तो P1 कितना है 740, V1 कितना है, V2 कितना है 440, 1 से 1 2। किसको, हाँ बिल्कुल एम एम एच जी टॉर या इतना ही MMHg। तो ये तो टोटल प्रेशर निकल आया ना, उनने तो कहा कि एडिशनल कितना लगाना है, हेंस एडिशनल प्रेशर टू बी अप्लाइड इक्वल टू होगा P2 माइनस V1। अच्छा यहाँ 1480 है, ये आ गया एडिशनल प्रेशर, इतना एडिशनल प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, हो गया।
अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको करके दिखाओ। तुमसे सब न्यूमेरिकल आने चाहिए, आते हैं सब, पीछे के भूल गए होगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले, रिडबर्ग कांस्टेंट वाले आते हैं, देखेंगे इतने। इसको सिखाओ तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, पर कह दो हम सर सिखाए कैसे जब सीखने वाला नहीं चाहता। सही बोले ना हम सोम, नहीं आना है ये पेपर, ये वाला हट गया पार्ट, स्टेटोमेटर गया, रेबो टू पार्ट गया, उससे अब कभी नहीं आएगा क्वेश्चन उसमें, अब नहीं आना है। क्यों? तो आधा आधा नहीं होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए था कि पूरे से ऑब्जेक्टिव आए, पूरे से थ्योरी आए। क्वेश्चन नंबर टू, अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बताओ। ओके, एट रूम टेम्परेचर इट विल बस्ट, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स फूट जाएगा। इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 bar, इफ एट 1 bar प्रेशर, 1 bar प्रेशर, इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज, द गैस ऑक्यूपाइज, द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 liter वॉल्यूम, 2.27 liter वॉल्यूम, अप टू वॉट वॉल्यूम, अप टू वॉट वॉल्यूम, अप टू वॉट वॉल्यूम कैन बी अप टू वॉट वॉल्यूम कैन द बलून बी, 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 कैन द बलून बी एक्सपेंडेड। डालो फास्ट, हम आंसर देख लेते हैं जब तक। देखिए, अ बलून इज फिल्ड विथ H2 एट रूम टेम्परेचर,
इट विल वर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 bar. 0.2 bar अगर प्रेशर बढ़ा दिया गया तो ये वर्स्ट हो सकता है. एट 1 bar प्रेशर, जब प्रेशर 1 bar है, द गैस ऑक्यूपाइड 2.27 liter वॉल्यूम. 2.27 liter वॉल्यूम है उसका जब प्रेशर 1 bar है. अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून एक्सपेंडेड, मतलब हम अगर इतना प्रेशर बढ़ाएं तो और कितने लीटर गैस इसमें भरी जा सकती है और कितना एक्सपेंड किया जा सकता है. लेट्स सी, तो 1 bar प्रेशर मतलब ये क्या दिया होगा हमें, फर्स्ट प्रेशर, क्योंकि ये तो एक्सीड करना है. तो ये P1 है, तो इस P1 प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V1. और कितना प्रेशर बढ़ाना है, और बैलून फर्स्ट नहीं होना चाहिए, तो और कितना बैलून, V2 हमें निकालना है. तो उसको सॉल्व कर दो ना, और जब यहाँ तक आ गया तो सही है, तुम्हारा सही जा रहे हो जहाँ तक हमें दिख रहा है. आंसर लगाना है P1, V1, P2, V2. V2 निकालना है. सर 19 अप्रॉक्स. कितने से डिवाइड किया? 2.27 को किससे डिवाइड किया, 1.2 से? हाँ. कहीं गलत है बेटा, हमें समझ में आता कि 2 से. V1 दिया गया है 2.27 liter. एक चीज़ और ध्यान दिया करो, हमेशा यू ये चेक कर लिया करो कि प्रेशर सेम यूनिट में दिया है कि नहीं, वॉल्यूम सेम यूनिट में है कि नहीं, ये चीज़ें जरूर देख लिया करो. तो प्रेशर जो है वो 0.2 bar है, नहीं तो फिर भविष्य में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं. और P1 भी दिया हुआ है 1 bar, तो प्रेशर सेम यूनिट में है. सर P2 0.2 प्लस P1 होगा ना, वो उसमें क्योंकि लिखा एक्सीड होगा. हाँ, तो अब 0.2 bar थोड़ी होगा, 1.2 bar होगा. 1 bar पे तो पहले से इतना है बेटा, नहीं उसने लिखा कि एक्सीड हो जाएगा इतना. इतना एक्सीड नहीं होगा, इतना एक्सीड कर रहा है वो, इतना एक्सीड कर रहा है. पढ़ो सर, जैसे भी यहां पे एडिट बैक कर, इतना बढ़ाया जाएगा. हाँ, तो ये बात का है ना, तो P2 होगा. हाँ, तो सर 1.2 हो जाएगा ना, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है 0.2, तो एक्सीड तो 0.2. हाँ, तो सर नहीं नहीं, ये तो P2 है ना, तो इसमें आप P1 हो, ये तो आप P1 प्लस P2 कर रहे हो ना, वो इससे भी इतना बढ़ा रहा है, तो देट इज ओनली 0.2. इससे पॉइंट एट, लेट सी, अ बलून इज फिल्ड एट रूम, इट विल बस्ट ए प्रेशर एक्सीड 0.2 bar. इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगा, P2. आप तो टोटल प्रेशर लिख रहे हो ना, आप तो पहले से 1 है, 1.2 और बढ़ा दे रहे हो, तो वो तो और ज़्यादा नहीं हो रहे हो, सिर्फ कितना बढ़ाना है, 0.2. P1 V1 = P2 V2, ये हमारा फॉर्मूला है. तो V2 इक्वल हो जाएगा P1 V1 / P2. ये बढ़िया, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, सबसे सिंपल फॉर्मूला है और कभी भूलोगे नहीं. P1 V1 P2 V2 P3 V3. P1 है 1 bar, V1 है 2.27 liter, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, आंसर लीटर में आ जाएगा. और P2 है 0.2 bar, 0.2 bar है आपका, तो बार से बार कैंसिल और लीटर आ जाएगा. तो देखिए अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ 10, यहाँ 100, ये डेसिमल हटा दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2.27 डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा
सिक्स और 0.25 जा टू वन जा टू टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स तो पॉइंट वो 11.3 आएगा या फिर 11.35 यहाँ तो डेसिमल आ गया 100 आ गया यहाँ डेसिमल 10 हाँ 2 1 2 2 1 2 और फिर 7 तो है तो सर आप 2 से कर रहे हैं हम लोग 20 से कर सही नहीं 11.20 आप 20 से कर रहे हो हम बाद में डेसिमल खिसकाएंगे तो हमें ऐसे थोड़ा सा आराम से लेके चला करो भाई मैथ में डरा क्यों देते हो हमें 2 1 2 2 1 2 2 3 6.25 10 डिवाइडेड बाई 11.35 लीटर सर लेट्स सी द आंसर वैसे हमने जहाँ तक एक नज़र देखा था यही था आंसर इलेवन पॉइंट थ्री फाइव लीटर एक क्वेश्चन और लिखो ये लोग तुम लोग करके लाना ये हम नहीं करेंगे अब देखिए जो दो क्वेश्चन कराए ये सेकेंड वाला एनसीईआरटी का था फर्स्ट वाला एमपी बोर्ड में आ चुका है फर्स्ट वाला एमपी बोर्ड का था गवर्नमेंट स्कूल का तो देखिए क्वेश्चन है आइडियल गैस है अब कौन सी गैस आइडियल गैस होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे इसी चैप्टर में आइडियल गैस है जिसका प्रेशर है 10 बार जब प्रेशर 10 बार है तो उसका वॉल्यूम है 150 ml ठीक है इसको करना है इस वॉल्यूम को 150 ml से डिक्रीज करना है क्या हिंदी में क्वेश्चन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहे हैं इसको डिक्रीज करना है अप टू 100 ml तो कितना प्रेशर और लगाना हटिएगा ऐसा क्वेश्चन तो देखिए यहाँ तक डिक्रीज करना है मतलब ये कौन सा वॉल्यूम है V2 तो कितना प्रेशर लगेगा मतलब P2 तो ये P1 और ये V1 तो ये आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है मतलब ये क्वेश्चन को ऐसे लिख लो पहले फिर बाद में अपने गिवन में लिख लेना क्वेश्चन ये है कि आइडियल गैस है जिसका प्रेशर 10 बार है तो 150 ml है हाँ 15 बार तो टोटल प्रेशर आया बेटा वही गलती कर गए ना तो आंसर कितना आएगा 5 बार P2 - P1 अरे नहीं 150 ml से 100 ml वॉल्यूम लाना है तो इस प्रेशर को भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा तो टोटल तो 15 बार आ गया तो एक्स्ट्रा कितना दिया 5 बार 15 - 10 हो जाएगा बच्चों जैसा है अब कर ही दो चलिए तो गिवन है आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P1 है उस समय वॉल्यूम V1 है V2 वॉल्यूम इतना करना है तो P2 कितना लगाना पड़ेगा ये है आंसर एक क्वेश्चन तो हमारा फॉर्मूला है P1 इक्वल टू P2 V2
टोटल 15 आया, तो ये तो टोटल प्रेशर आ गया।